हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरनमेंट साइंस की 21st क्लास। आई होप आपको समझ में आएगी। अगर आपको समझ में आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का फर्स्ट टॉपिक, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है कि जो लोअर पार्ट है जो एटमॉस्फेयर का, वैसे तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। पर कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जो मीटरोलॉजिकल कंडीशन हो जाती हैं, जिनमें ये कंडीशन है जो मतलब कि जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के साथ वो रिवर्स हो जाती है। जैसे इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो इनक्रीज होने लगता है हाइट के साथ, इसे क्या कहते हैं, इन्वर्जन। और ये क्या करता है कि एक्सट्रीमली स्टेबल कंडीशन फॉर्म करता है। फिर आता है कि जो इन्वर्जन है वो एटमॉस्फेयर में कितनी तरह से होता है, तीन तरीके से। एक तो क्या है, रेडिएशन इन्वर्जन। ये एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वर्जन है, यानी कि नॉर्मली यही इन्वर्जन एटमॉस्फेयर में अक्कर होता है। कि कुछ जैसे कुछ प्लेसेस हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो नाइट होती है वो कोई क्लाउड प्रेजेंट नहीं होता हीट को ट्रैप करने के लिए, उन प्लेसेस पे क्या होता है, ये रेडिएशन इन्वर्जन जो प्रोसेस है ये अक्कर होती है। फिर आता है कि जो रेडिएशन इन्वर्जन है ज़्यादातर उन प्लेसेस में होती है जहाँ पे ठंडा इलाका हो रात के समय, या कि जो रात के मतलब कि जो नाइट के टाइम पे जो ग्राउंड है वो कूल ऑफ हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। और क्या होता है, जो ग्राउंड की जो हीट है वो निकलने लगती है और स्काई की तरफ जाने लगती है। फिर क्या होता है कि जो ग्राउंड है वो कूल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वहाँ पे जो ग्राउंड की जो एयर है वो कूल होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसे क्या कहते हैं, रेडिएशन इन्वर्जन, यानी कि जो हीट है वो रेडिएट होकर क्या हुई, स्काई मतलब कि अपर लेवल पे पहुंच गई, यानी कि स्काई में। और उससे क्या हुआ, जो ग्राउंड लेवल जो एयर है वो पहले जो गर्म थी वो क्या हुई, कूल हो गई। इसे क्या कहते हैं, रेडिएशन इन्वर्जन। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये कूल एयर है, यहाँ पे क्या है कि जो ग्राउंड सरफेस से क्या है, इन्फ्रा रेडिएशन निकल रही है और ऊपर वार्म एयर इकट्ठी हो रही है। फिर आता है कि सब्सिडेंस इन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि एयर सिंकिंग होती है, यानी कि कहीं पे एयर की कमी हो जाती है एक तरह से। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ एरियाज में क्या होता है कि जो एयर है वो सिंक हो जाती है, यानी कि खाली हो जाती है, वहाँ से एयर चली जाती है एक दूसरी जगह पे। इसमें क्या होता है कि जो एयर जब सिंक होती है क्या होता है कि वार्म होने लगती है एडियाबेटिकली, और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट पे, यानी कि जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है उस पे क्या होता है कि जो एयर सिंक हुई है वो एडियाबेटिकली वार्म होने लगती है और एक हाई टेम्परेचर अटेन करती है देन बिलो एयर। बल्कि जो लोअर एयर है उसकी बजाय जो अपर एयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और इसी इन्वर्जन की वजह से क्या कहेंगे, सब्सिडेंस इन्वर्जन। और ये जो वार्म कोर हाई प्रेशर सिस्टम है वहाँ पे अक्कर होती है, मतलब कि जहाँ पे प्रेशर सिस्टम प्रेशर हाई हो जिस सिस्टम में वहाँ पे प्रेजेंट होती है, मतलब वहाँ पे अक्कर होती है। फिर आता है फ्रंटल इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन क्या होता है कि ये सैलो कोल्ड फ्रंट की वजह से होता है ये इन्वर्जन। मतलब कि इसमें क्या है कि अदर वर्ड्स में हम क्या कहेंगे कि जो एक कोल्ड एयर का एक गुच्छा होता है, बंच एक तरह से, यानी कि कोल्ड एयर का एक क्या हुआ पैकेट्स होता है ना, जैसे वैसा एक बंच होता है, मतलब गुच्छा होता है जिसे क्या कहते हैं, एयर मास। वो क्या होता है कि जब वो ब्लो करता है यानी कि बहता है तो क्या होता है, जो दूसरे
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, तो दूसरे प्लेस की जो एयर है वो जो गर्म थी वो क्या होती है, कूल होनी स्टार्ट हो जाती है, और इसे क्या कहेंगे, इन्वर्जन, यानी कि चेंज आ जाता है इनमें। अब जैसे देखो इसमें डायग्राम में कि जो सबसीडेंस इन्वर्जन है, इसमें क्या हुआ कि जो ये एयर थी यहाँ से क्या हुई, इस पार्ट में मूव हुई, और क्या हुई, कूल एयर यहाँ पे बननी स्टार्ट होगी, वार्म एयर थी जो कूल होनी स्टार्ट होगी यहाँ पे लोअर लेवल पे। और फ्रंटल इन्वर्जन में क्या है कि यहाँ पे एक कोल्ड फ्रंट है, ये क्या हुआ, एक तरह से क्या है, एयर मास है, ये जब ब्लो करता है तो क्या होगा, दूसरे एरिया में होगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, ये एयर को क्या कर देगा, कूल कर देगा। अब हम इसके बाद करेंगे, इन्वर्जन के बाद करेंगे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। जो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है डिटरमाइन करती है कि जो एयर है वो राइज हुई है या नहीं, उसने स्टॉर्म कॉज किया है या नहीं, सिंक हुई है या नहीं, और जो क्लियर स्काई है उसका कारण ये डिटरमाइन करती है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। फिर आता है जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड होती है तो ड्राई और एक सेचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट पे, और एनवायरमेंटल लैप्स रेट पे भी, यानी कि टोटल लैप्स रेट पे क्या होती है, ये डिपेंड होती है। तो क्या है, जो स्टेबिलिटी ऑफ एयर है वो डिटरमाइन की जाती है किसके द्वारा, कि जो एटमोसफेयर में टेम्परेचर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक हाइट, मतलब अलग अलग हाइट पे कैसे हुआ है। फिर एक जैसे मतलब कि इसमें क्या है, इन्हें जो एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग हाइट पे हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे कि कितना हुआ है कितना नहीं, फिर वो क्या डिटरमाइन करेगा कि एयर की स्टेबिलिटी कितनी है वहाँ पे। फिर आता है कि जो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है वो क्या है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट पे डिपेंडेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, एनवायरमेंटल लैप्स रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या है, ये एक एक्चुअल हाइट है एटमॉस्फेयर, मतलब कि नहीं, ये एक एक्चुअल टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का। एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज़ द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर एज डिटरमाइंड फ्रॉम, जो कि डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा, जो रेडियो सोनेट्स है और एयरक्राफ्ट है उनके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन होती है उनसे क्या डिटरमाइन किया जाता है, एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट, यानी एक्चुअल टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का है वो। फिर आता है कि जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है, यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर है उसके कुछ किलोमीटर तक जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट की हाइट है वो कितनी होगी, मतलब कि जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो कितना होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी कि हर एक किलोमीटर पे कितनी होगी, 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा। फिर आता है कि जो ट्रोपोस्फेयर से अपर रीजन में जो होगा वहाँ पे एनवायरमेंटल लैप्स रेट कितना होगा, 7 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। फिर आता है कि जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है इसमें क्या होता है, एक एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, ये क्या है कि वो रेट है ये जिस पर जो टेम्परेचर है एयर पार्सल का वो चेंज होता है कंप्रेशन और एक्सपेंशन के रिस्पॉन्स में विद एलिवेशन चेंज, यानी कि जब हाइट चेंज होती है, मतलब कि हाँ हाइट चेंज होती है तो उसमें क्या होता है कि जो एयर पार्सल है उसमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है एक्सपेंशन भी होता है, यानी वो इकट्ठी भी होती है फैलती भी है, तो उसमें क्या जो टेम्परेचर है एयर पार्सल का जो चेंज हुआ है उसके रिस्पॉन्स में कंप्रेशन और एक्सपेंशन के, उस रेट को क्या कहेंगे, एडियाबेटिक लैप्स रेट। ये एडियाबेटिक लैप्स रेट है, ये जो प्रोसेस है एडियाबेटिक की उसके अजम्पशन के अंडर होती है। इसमें क्या है कि जो वो क्या है, एडियाबेटिक क्या होती है प्रोसेस है? इस जिसमें क्या है कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता,
गिवन जो एयर पार्सल है और उसकी सराउंडिंग है उसके बीच में। फिर आता है कि एडियाबेटिक लैसरेट के टाइप दो हैं, ड्राई एडियाबेटिक लैसरेट और वेट सेचुरेटेड एडियाबेटिक लैसरेट, जो दो तरीके का होता है। फिर क्या है कि जो ड्राई एडियाबेटिक लैसरेट है, इसमें क्या होता है कि जो ड्राई एडियाबेटिक लैसरेट है, इसमें क्या है कि जो ये वो रेट है जिसमें जो ड्राई एयर है वो चेंज होती है, मीन ड्राई एयर चेंज करती है इसका टेम्परेचर एक्सपेंशन और कंप्रेशन के रिस्पॉन्स में। इसमें मेनली क्या होगा कि जो ड्राई एयर है वो चेंज होती है, मतलब कि उसका टेम्परेचर चेंज होता है ड्राई एयर का एक्सपेंशन और कंप्रेशन के रिस्पॉन्स में। फिर आता है कि जो ड्राई एडियाबेटिक रेट है वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसमें क्या होता है, जो एयर राइज होती है वो कूल होती है एट ड्राई एडियाबेटिक रेट रेट पे टू द लेवल ऑफ कंडेंसेशन वेयर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज रीच्ड। यानी कि जो एयर है वो राइज होती है और कूल होती है कि जो एडियाबेटिक रेट है उस पे, कब तक, जब तक कंडेंसेशन का जो लेवल है वो ना पहुंच जाए। यानी कि एक तरह से जो कंडेंसेशन के टाइम, जो कंडेंसेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है उस लेवल तक राइज और कूल होती रहती है एयर। फिर आता है कि जो वेट सेचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट है, ये क्या है कि जब कंडेंसेशन होती है, जब एयर पार्सल, जब व्हेन इन द असेंडिंग एयर पार्सल द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट, यानी कि जब कंडेंसेशन प्रोसेस है जो वो स्टार्ट होती है टेम्परेचर जब सेचुरेशन पॉइंट के नीचे पहुंच जाता है उसके बाद। फिर आता है कि जो लेटेंट हीट है कंडेंसेशन की, वो रिलीज होती है और क्या करती है, जो राइजिंग एयर है उसको वार्म कर देती है, यानी कि गर्म कर देती है। फिर जो ये टेम्परेचर का जो रिड्यूस है, रिड्यूस्ड रेट है, वो उसका जो चेंज है वो क्या कॉज करता है, मतलब कि वो किस वजह से होता है, लेटेंट हीट के एडिशन की वजह से, और इसे क्या कहते हैं, सेचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट। अब हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कि जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है इसमें क्या होता है कि जो ड्राई एयर है वो चेंज होती है, मतलब कि ड्राई एयर का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है एक्सपेंशन और कंप्रेशन के साथ, उसका रेट कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और जो वेट सेचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट है इसमें क्या होता है कि जो एयर पार्सल है उसमें क्या होता है, जो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन है वो स्टार्ट होती है जब जो टेम्परेचर है वो सेचुरेशन पॉइंट के नीचे पहुंच जाता है, तब स्टार्ट होती है। और इसमें जो कंडेंसेशन है उसकी जो लेटेंट हीट है वो रिलीज होके क्या करती है, एयर को, जो एयर राइज एयर है उसको गर्म कर देती है। और इस जो ये रिड्यूस्ड रेट है टेम्परेचर का वो लेटेंट हीट की वजह से होता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट। फिर आता है जो टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी है, यानी कि जो एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी है उसके टाइप कितने, तीन तरीके के होते हैं। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो वेट एडियाबेटिक रेट के कम हो, वेट एडियाबेटिक रेट से कम हो। फिर क्या है एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी, ये कब होती है, जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट है जो वो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से ज़्यादा हो। और थर्ड क्या है, कंडीशनल इंस्टेबिलिटी, इसमें क्या होता है, जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है वो मॉइस्ट और ड्राई एडियाबेटिक रेट के बीच में हो, मतलब कि उनके बिटवीन में उसका रेट आता हो, एक तरह से मॉइस्ट और ड्राई एडियाबेटिक रेट के बीच में।
आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आपको क्या करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। थैंक यू ऑल।